नमस्कार, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक करी और ये आलू करी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। दोनों की रेसिपी में हमने एक ही ग्रेवी का इस्तेमाल किया है, बस डेकोरेशन में हल्का सा फर्क रखा है। एक करी को मैंने काजू के पेस्ट और धनिया की पत्ती से सजाया है और आलू करी को मैंने काजू के टुकड़े और धनिया पत्ती के टुकड़ों से सजाया है। इसकी रेसिपी मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। इसे ज़रूर आप भी ट्राई करें और हमारे कमेंट बॉक्स में हमारे साथ ज़रूर अपना अनुभव शेयर। दो आलू लेंगे और दो आलू को हम अच्छे से बॉईल करके अच्छे से इसे सुनहरा ठीक रहे, अच्छी तरीके से इसे हम फ्राई करते हैं धीरे धीरे। सुनहरा हो जाएगा इस तरीके से चारों तरफ से, तब ये हमारा आलू सब्जी के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा। ये हाफ बॉयल आलू है। अब हमारा ये आलू पूरी तरीके से सिक के तैयार हो गया है। इसी तेल में हम तेज पत्ता डालते हैं, तीन तेज पत्ता, दो लाल मिर्च, दो दालचीनी, लौंग दो पीस, इलायची और काली मिर्च चार पांच दाने, थोड़ा सा जीरा, इसे हम थोड़ी देर सेक लेंगे। अभी ये हमारा ये छौंक पूरी तरीके से तड़का तैयार हो गया है। अब इसमें हम प्याज डाल, प्याज अब हमारा प्याज थोड़ा सा भून चुका है, हल्का हल्का ब्राउन दिख रहा है। अब इसमें हम टमाटर ऐड कर लेते हैं, फिर इसे दो मिनट तक हल्का मुलायम होने तक फ्राई कर लेंगे। इसके बाद हम इसे मिक्सी में पीस लेंगे। ये हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डालते हैं। ये दो चम्मच है, इसको हम इस तरीके से फ्राई कर लिए। थोड़ी सी और फ्राई करेंगे, ये चारों तरफ से ऑयल रिलीज कर रहा है। अब ये हमारा पेस्ट बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसे हम दो मिनट से तीन मिनट तक फ्राई करेंगे। ये हमारा मसाला, अभी मसाला मेरा बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसमें हम प्याज टमाटर का पेस्ट ऐड करते हैं और इसे धीमी आंच पे 8 से 10 मिनट तक कुक करेंगे। अब हमारा ये मसाला पूरी तरह से फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम लोग नमक मिक्स करेंगे, अपने स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और इसे मिक्स कर देंगे अच्छे से। ये देखिए इसका कलर कितना सुंदर लग रहा है। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे धीरे धीरे और धीरे धीरे चलाते हुए
सा और पड़ेगा पानी इसमें। ग्रेवी तैयार होने लगा। अब इसमें हम अपने जो आलू फ्राई करके रखे हुए हैं उसे डालेंगे। बॉईल किया हुआ है और फ्राई भी किया हुआ है, इसलिए ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है। इसे हम सिर्फ 2 मिनट तक ढक के कुक करेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे खोल के देखते हैं। ये देखिए कितना सुंदर हमारा सब्जी तैयार हो चुका है। ये आलू की सब्जी, इसे हम कुछ इस तरीके से हम अंडे की सब्जी भी बना सकते हैं। तो ये बहुत टेस्टी होता है। थोड़ी सी हल्दी ऐड करें, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च और 1/4। अंडे को 1 से 2 मिनट तक हम इस तरीके से फ्राई कर लेते हैं। ये चारों तरफ से सिक के बहुत ही सुंदर येलो कलर में आ गया है। अब इसमें हम ग्रेवी डालेंगे। और इसे इस तरीके से चलाते हुए बहुत ज़्यादा नहीं, 2 से 3 मिनट तक कुक करेंगे, बस हमारा ये अंडा करी तैयार हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं हमारे ये अंडा करी बिल्कुल अच्छी तरीके से कुक हो चुका है और रेडी हो चुका है। इसे आप भी ट्राई करें और प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये कैसा बना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।